हेलो गाइस, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत टाइम से लोग फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, देख लो, आज ही की डेट है 28 अप्रैल 2022, है ना। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। बायोलॉजी के अंदर 162 पद है, उसके बाद में केमिस्ट्री के अंदर 130 है, जिसमें से जनरल के 32 है, इसके बाद में म्यूजिक के, ड्राइंग के, एग्रीकल्चर के, जियोग्राफी के 793 पद है, हिस्ट्री के 807 है, हिंदी के 1462 है, पॉलिटिकल के 1196 है, इंग्लिश के 342, संस्कृत के 194 और केमिस्ट्री के 122। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे कॉमर्स के 130 है, ये केमिस्ट्री के तो 122 ही है, होम साइंस के 22, फिजिक्स के 82, मैथ के 68, इकोनॉमिक्स के 62, सोशियोलॉजी के 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 9, पंजाबी के 15, उर्दू के 40, कोच, अब ये कोच के ये खो खो, हॉकी, जिमनास्टिक, फुटबॉल, इनके अपने अपने हिसाब से हैं। ठीक है, दो तीन पद हैं। इसके बाद में आपको ये तो आपको पता ही है ना, सबसे पहले जनरल वाला है ये, देखो सबसे पहले जनरल का, तो इसका मतलब है कि जो बायोलॉजी की 162 उसमें से जनरल की 40 सीट्स हैं। उसके बाद में EWS में SC ST OBC MBC, तो जिस तरह से बांटा गया है तो आपको पता है कंपटीशन उसी हिसाब से देखा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर 31 पोस्ट है जनरल वालों के लिए। ठीक है, और ये 8 पोस्ट आई थिंक जो जनरल वुमेन है उनके लिए। इसके बाद में बता देती हूँ आपको फॉर्म और एलिजिबिलिटी वगैरह। तो देखो, एलिजिबिलिटी की बात ऐसी है कि आपको पता है इसके अंदर MSc चाहिए होता है, मतलब आपको PG करना अनिवार्य है। ये देखो, ये लिखा हुआ है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। देखो, बहुतों को क्या है ना, डाउट होता है कि आपको जो दोनों डिग्री है, BEd की और MSc की, मतलब PG की, वो कब तक चाहिए। तो देखो, वो उस दिन तक चाहिए जैसे आप या तो BEd के अपेयरिंग में होंगे या MSc के अपेयरिंग में। तो जिस दिन, जैसे मान लो आपका पेपर सेप्टेम्बर में होता है या अक्टूबर में होता है, तो जिस दिन होता है ना आपका पेपर, उस दिन से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस भी क्लास में आप अपीयरिंग में हो ना, उसका फाइनल रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए, तभी आप लोग वैलिड होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हो। आपको पता ही है लेवल पे इसका लेवल 12 है। ठीक है, इसके बाद में ग्रेड पे 4800, मतलब 48,000 से शुरुआत होती है ना। इसके बाद में न्यूनतम आयु आपसे 21 वर्ष मांगी और अधिकतम 40 वर्ष। बाकी आपको पता है कि आरक्षण के हिसाब से एज में भी छूट, रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप खुद देख लेना। चयन प्रक्रिया की बात ऐसी है कि आपका मेन पेपर होगा प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब वही पेपर, हो सकता है रिटर्न ही हो क्योंकि पहले तो रिटर्न ही होता था। उसके बाद में अगर शिफ्ट, काफ़ी सारे शिफ्ट्स में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, परीक्षा का स्थान और टाइम आपको और कौन से महीने में होगा ये सूचित कर दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखो, फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत से लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं और उसके बाद में फॉर्म किसी ना किसी वजह से रह जाता है, तो बेटर है आने के बाद में 2-4 दिन में ही फॉर्म अप्लाई कर दो। तो ये 5 मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 4 जून तक भरे जाएंगे। ठीक है, आपको सब बता दिया मैंने फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या है। बाकी इसके अंदर आपको पता है 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ वाला होता है, एक सब्जेक्ट का होता है। जनरल स्टडीज़ का ये 3 घंटे का पेपर है और सब्जेक्ट का भी आपका 3 घंटे का, जिसके अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आता है और साइकोलॉजी पूछी जाती है। बाकी इसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस है ना, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, ये सब आती है। इसके अलावा जनरल स्टडीज़, अब देखो आई थिंक ये सारा सिलेबस दे रखा है तो आप लोग ये देख लेना। आपका ये सेकंड पेपर कितने मार्क्स का होता है वो सब बता रखा है कि सीनियर सेकेंडरी कितने नंबर का आएगा, ऐसे करके। तो ये पैटर्न आपको देख लेना, ये PDF भी आप साइट पे अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो बस आपको यही गुड न्यूज़ देनी थी कि फाइनली जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे थे फर्स्ट ग्रेड तो आनी रही, सेकंड ग्रेड देख लेते हैं, रीट देख लेते हैं, अब ज़रूरत नहीं है उनको देखने की। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको बस यही बताना था, अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो, न्यूज़ तो अच्छी लगेगी क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।